आज बात करते हैं पपीता के बारे में। पपीता खाने से क्या फायदा होता है और कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पपीता। सबसे पहले ये मैं लाया हूँ मार्केट से, पपीता भी काटने जा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि अपने चाहने वालों को भी बताऊं कि पपीता खाने से क्या फ़ायदा होता है। काफ़ी लोग को मालूम नहीं है कि पपीता खाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है और कब खाया जाए। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, पपीता को कब खाया जाए। अगर फ्रेंड्स हम अपने जीवन में एक बाउल पपीता खाया जाए तो काफ़ी बीमारियों से हमें बचाव मिलता है। साथ साथ में सबसे बड़ी फ़ायदा हमें यह मिलता है कि पपीता खाने से हमारा वेट को कंट्रोल करता है, वेट बढ़ने नहीं देता है। अगर हम ये पपीता, एक पपीता ला जाए तो पपीता जाने से 1 केजी के नीचे नहीं होता है। तो आजकल सीजन भी चल रहा है पपीता का, तो अपने हम जीवन में अगर हम पपीता का इस्तेमाल किया जाए एक बाउल डेली ब्रेकफास्ट के टाइम में, खाली पेट अगर पपीता खाया जाए तो काफ़ी बीमारियों से हमें फ़ायदा मिलता है, सबसे ज़्यादा सहयोग देता है वेट लूज करने में। पपीता खाने से अगर एक बाउल हम खाया जाए तो इसमें कैलोरी बहुत कम पाया जाता है और हमारा पेट को भरा रखता है और जिससे हमें भूख कम लगता है और हमें वेट लूज करने में बहुत ही सहायक मिलता है। दूसरा है कि हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि आज काफ़ी लोग कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, तो कोलेस्ट्रॉल भी पपीता खाने से बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर 250 ग्राम पपीता, पका पपीता खाया जाए तो उसमें महज 70 से 80 ग्राम कैलोरी हमें प्राप्त होता है, जो कि और फ्रूट खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होता है। तो अगर हमारे शरीर में कैलोरी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना है। तो बात करते हैं अगला, पपीता खाने से हमारे क्या होता है, पाचन क्रिया में बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसका डाइजेस्टिंग सिस्टम सही नहीं है, पाचन क्रिया सही नहीं है, तो उसको अगर डेली ब्रेकफास्ट के टाइम में एक बाउल पपीता, अगर पका पपीता खाया जाए तो ज़्यादा पका नहीं है, जो शुगर के पेशेंट है तो आप कच्चा पपीता भी आप उसका सब्जी बना के खा सकते हैं। जिसके पेट में, आँख में सूजन है या इस तरह का कब्ज या गैस इस तरह का काफ़ी परेशान है, तो पका पपीता अगर सुबह हम खाया जाए एक बाउल तो हमें बहुत ही आराम मिलता है। क्योंकि पपीता विटामिन ए सी ई से भरपूर मदद मिलता है, जो कि हमारे शरीर में जो होता है कि खराब विषांग जो पदार्थ को बाहर निकालता है और हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है और जिससे हमारे प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो कई चीज़ों में फ्रेंड्स पपीता बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए, जो कि जिसमें पपीता खाने से फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, हार्ट के पेशेंट लोग भी पपीता खा सकते हैं, जिसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हम जहाँ काटने जा रहे हैं पपीता, तो हम भी अपने लाइफ स्टाइल को बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल एक ऐसा चीज़ हो गया है जिसमें हम अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैदा युक्त पदार्थ को ज़्यादा खाते हैं, समोसा हो गया, छोला हो गया, चाउमीन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो को मुंह को तो टेस्ट देख खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना टेस्ट अच्छा लगता है खाने के लिए उतना ही ख़तरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम अपने जीवन शैली पद्धति को खोते जा रहे हैं। तो सभी लोग हमारे जो चाहने वाले हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे, अपने जीवन शैली को बदलाव रखिए जिससे आप स्वस्थ रहें। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो तभी आपके मन में अच्छा विचार पैदा होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कई प्रकार की भावनाएं आपके मन में निकलता है, गलत भावनाएं भी ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है। तो अपने जीवन शैली को बदलाव लाइए, फास्ट फूड के चक्कर में अपने जीवन शैली को बदलाव इतना ख़राब मत कर दीजिए कि लाइफ ही ख़राब हो जाए। फास्ट फूड खाने से इतना तमाम बीमारियां जो समय से पहले, जो जनरेट नहीं होना चाहिए उससे पहले ही हो जाता है। तो हम अपने जीवन शैली को किस तरह से बदलाव कर सकते हैं, जो हमारे सराउंडिंग हर चीज़ें उपलब्ध है लेकिन हम टेस्ट के चक्कर में वो चीज़ों को नहीं खाते और अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। मार्केट में अगर हम पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जैसे चीज़ों को खाते हैं, किस तरह से बना रहे हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी कभार खाना चाहिए, हम ऐसे नहीं कि फास्ट फूड को विरोधी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए तो अपने घर पे आप बना सकते हैं अच्छी तरह से और उसका सही तेल इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई का विशेष का ध्यान दें। ये हो गया पपीता। तो पपीता बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं, अब ये नहीं कि एक पपीता डेली एक पपीता खा ले जाएंगे तो वो भी एक चीज़ के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। तो डेली अपने एक रूटीन बनाइए,
कि एक हम बाउल खाएंगे, इतना खाएंगे, जो कि हर चीज़ शरीर के लिए उतना ही अच्छा होता है जितना कि हम खाने से डाइजेस्ट कर सके। तो अभी एक हम पपीता काट दिए, तो जो कि हमें अपने ब्रेकफास्ट में यूज करेंगे, एक बाउल पपीता और एक गिलास दूध, जो कि बहुत अच्छा है, देखने में कलर भी बहुत अच्छा है। खाकर देखते हैं, एक पपीता आप 2 से 3 दिन आराम से यूज करते हैं, कर सकते हैं, जिसका कीमत लगभग मार्केट में अभी 30 से 40 रुपये किलो पपीता है। तो पपीता खाना बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी पपीता का इस्तेमाल करिए, अपने शरीर को अच्छा स्वस्थ बनाइए, और स्वस्थ शरीर रहेगा तभी ही हमारे शरीर में स्वस्थ अच्छा एक विचार उत्पन्न होगा और हम अपने लाइफ को अच्छा जी सकेंगे। तो हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।